भांडर पुलिस का एक और चेहरा आया सामने। एसआरबी का भांडर पुलिस पर स्टिंग ऑपरेशन, चौंकाने वाली तथ्य आए सामने, जिस पर भांडर पुलिस का नया प्लान आया सामने। एसआरबी द्वारा देखा गया भांडर पुलिस के कार का आंखों देखा हाल। भांडर में जिस प्रकार आए दिन ट्रक हादसे हो रहे हैं, उस पर जहां भांडर पुलिस ने अपना रुख बदला और शाम को जब नो एंट्री में भारी वाहन भांडर में एंटर हुए, उसी वक्त भांडर पुलिस ने उन्हें रोका और रोड के किनारे लगवाया और कागजात चेक किए और उन्हें समझाइश दी कि आप नो एंट्री में क्यों एंटर हुए हैं, जिस पर ट्रक चालक द्वारा कई लोगों को फोन लगाया गया और उनसे पुलिस वालों की बात कराई गई, लेकिन पुलिस वालों ने साफ इनकार कर दिया कि हम बात किसी से नहीं करेंगे और उनका चालान काटा गया। यह प्रोसेस लगभग 5 से 7 और 8 बजे तक चली और बाद में चालान काट कर ट्रकों को जाने नहीं दिया, वहीं रोड के बगल में खड़ा कर दिया गया। तो वहीं चालान कटने के बाद भी रोड किनारे ट्रक खड़े रहे और जाने का इंतजार करते रहे। तो जब नो एंट्री का समय निकल गया तो ट्रकों को रात्रि में जाने दिया। तो वहीं ट्रकों की स्पीड कम करने पर भांडर पुलिस ने स्पीड ब्रेकर बना दिए हैं और टीआई का भी साफ निर्देश है, जो नो एंट्री में आएगा पकड़ा जाएगा। भांडर से एसआरबी पर मुरारी रघुवंशी की रिपोर्ट।